हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 8.4 रनिंग है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। 11 तक कहाँ तक हो गए थे? 11 तक। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, 12, 13 और 14। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इजी हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो 12 है, इफ फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई व्हेन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो, हमें वाई में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, ठीक है? तो उसने करना है फाइंड द approximate change in y when y equals to then x increasing from 3 to 3.1। जो x में increase हुआ है, यानी कि rate of change हुआ है किसमें? x में। वो हुआ है 3 से 3.1, यानी कि हमें x और delta x की value given है। कैसे given है? देखो, x पहले कितना था? 3 था, ठीक है? और x प्लस डेल्टा x, यानी कि चेंज होने के बाद कितना हो गया? 3.1, ठीक है? जो चेंज होता है उसे हम डेल्टा x से लिखते हैं। पहले x था, पहले 3 था x, तो फिर हो गया वो 3.1। इसका मतलब x प्लस में डेल्टा x कितना है? 3.1 है। तो यहां से डेल्टा x हम फाइंड कर सकते हैं। 3.1 में से माइनस करेंगे कितना? 3, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1, ठीक है? तो अपने पास डेल्टा एक्स आ चुका है। एक्स है, डेल्टा एक्स है, वाई है। क्या फाइंड करना है? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे फाइंड करते हैं? डी वाई अपॉन में डी एक्स और डेल्टा एक्स। तो डी वाई अपॉन डी इससे फाइंड करते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ठीक है? इसकी वैल्यू, ये तो जीरो है। अब हम बात करते हैं किसकी? डेल्टा वाई की। डेल्टा वाई होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इन टू में डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है 2x और x की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 0.1, तो डेल्टा वाई अपने पास आ जाएगा 0.6। कितना आ गया? 0.6 आ गया। अब अपने पास है ही वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। y है अपने पास x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर यानी कि 3, 3 जा 9 प्लस 4 13 प्लस 0.6 इक्वल्स टू कितना है? 3.1, तो ये हो जाएगा 13.6 इक्वल्स टू 3.1। हमें फाइंड क्या करना था? वाई में चेंज फाइंड करना था। वाई में चेंज फाइंड करना था क्या? हाँ, तो वाई में चेंज तो यही फाइंड हो गया, डेल्टा वाई आते ही है ना, इसको हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्या फाइंड करना था हमें? डेल्टा वाई फाइंड करना था। देखो कैसे पता चलता है क्या फाइंड करना? देखो, जो चेंज हो रहा है ना, वो अगर हमें फाइंड करना है तो डेल्टा वाली वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे देखो, एक्स में जो चेंज था वो कितना था? 0.1 का, तो वो डेल्टा एक्स हो गया। तो हमें y में चेंज निकालना है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है y की। तो जितना डेल्टा y होगा वो ही उस y में चेंज है। तो कितना चेंज होगा डेल्टा y में? 0.6, ठीक है? ये हो गया प्रश्न नंबर 12। हमें x का मान दिया गया है 3 है, और ऐसे दे दिया गया है कि उसमें अप्रोक्सीमेट चेंजेस के बाद कितना है? 3.1, यानी कि x प्लस में डेल्टा x है 3.1। एक्स 3 है तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, 3.1 में से माइनस 3 करके कितना आ जाएगा? 0.1। डेल्टा वाई हमें निकालना है, तो डेल्टा वाई हमें पता है कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो डी वाई इंटू में डी एक्स किया, डेल्टा एक्स कर दिया,
0.6 अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 13, प्रूफ द एप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज ऑलमोस्ट 3 times टू एप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ क्यूब। देखो, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, फिर से हम इनको अच्छे से एक बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो एक क्यूब है, ठीक है, ये इसकी साइड क्या है, x, कितनी है x, और हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो इसमें इसने कहा है कि किसमें चेंज हो रहा है, कि उसके वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर है, ठीक है, वो एक क्यूब की किसके है, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ 3, यानी कि ऑलमोस्ट 3 times, कितनी है, ऑलमोस्ट 3 times है, यानी कि जो किसमें एरर है, वॉल्यूम में एरर है ना, वो उसके रेडियस के एरर के कितना है, 3 times है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम एरिया एरर कैसे लिखते हैं अपन, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, और रेडियस एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। इनमें अगर परसेंटेज की बात है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वस टू 3 times है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, डेल्टा आर अपॉन आर कितना होगा, इंटू 100, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि डेल्टा वी अपॉन में वी कितना होगा, इंटू 100, या तो ये प्रूफ कर दो या फिर ये प्रूफ कर दो, ठीक है। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर की बात कर रहा है तो यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी, और रेडियस में बात कर रहा है तो डेल्टा वी अपॉन में आर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि वी क्या होता है, एक्स की पावर क्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी वी अपॉन में डी एक्स, कितना हो जाएगा, 3x2, ठीक है। तो वही वी क्या है, वी की तो है वाई की जगह पर, और डेल्टा वी किसकी जगह पर है, डेल्टा वाई की जगह पर, ऐसे समझना है ना, वी तो हम वाई के उसमें यूज ले रहे हैं, और डेल्टा वी किसकी जगह यूज ले रहे हैं, डेल्टा वाई की जगह, और आर और डेल्टा आर हम एक्स की जगह यूज ले रहे हैं, ठीक है, एक्स और डेल्टा एक्स की जगह। तो अब हमें डेल्टा वी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, डी वी अपॉन में डी एक्स इन टू में क्या, डी वी अपॉन डी एक्स इन टू ओपन में डेल्टा एक्स होता था, यहां कितना होगा, डेल्टा आर, कितना आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, डेल्टा वी अपॉन वी फाइंड प्रूफ करना है, और यहां भी डेल्टा आर अपॉन आर। तो देखो हमें यहां डेल्टा वी है ना, तो वी से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, वी से। तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वस टू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, 3x2, और डेल्टा आर अपॉन में वी, वी का मान कितना है, एक्स की पावर क्यू। चाहो तो एक बार वी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वी, समझ में आने के लिए। हमने क्या किया है, इन दोनों तरफ वी का भाग दे दिया, क्योंकि हमें यहाँ v चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है, डेल्टा v अपॉन में v, ठीक है। तो डेल्टा v बटे में v, ये तो है 3x2 डेल्टा r का डेल्टा r, v का मान रख दो यहाँ x की घात 3, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर से ये कट जाएगा, x बचेगा, तो डेल्टा v अपॉन v बराबर कितना हो जाएगा, 3 डेल्टा आर अपॉन, यहां कितना बचेगा,
एक्स, यहां एक्स एक्स है और यहां भी तो रेडियस की थोड़ी बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, तो यहां सब जगह डेल्टा एक्स ही लिखेंगे ना, क्योंकि हमने एक्स से लिया है उसको आर नहीं लिखेंगे ना, डेल्टा एक्स। ठीक है, आर तो कब लिखते जब रेडियस होता है, यहां रेडियस थोड़ी, यहां तो हम साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड हम एक्स से लेट कर लेते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, या तो ऐसे लिख दो और या फिर ऐसे लिख दो, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू थ्री डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू हंड्रेड इक्वल टू इंटू हंड्रेड, एक ही बात है, प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर है वो एज के थ्री टाइम परसेंटेज एरर के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया है। तो इन वाले क्वेश्चन में बस एक यही है कि हमें अलग से क्या करना होता है, डिवाइड देना होता है, क्या करना होता है, डिवाइड, जैसे यहां हमने डेल्टा वी में वी से डिवाइड दिया, यहां डेल्टा एक्स में भी वी से डिवाइड देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई बी, यहां तो हम बी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहां हमें बी की वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, वी की वैल्यू ये एक्स क्यू, वी क्या है यहां पर, वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम, और एक्स क्या है, साइड, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ऊपर, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वी एंड एज या फिर साइड इक्वल टू में एक्स, तो हमें प्रूफ करना था डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, ये प्रूफ करना था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, v तो अपने पास है ही, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, x की पावर q, तो डेल्टा v फाइंड करना है, तो डेल्टा v फाइंड कैसे करते हैं, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x इनटू में डेल्टा x, डेल्टा x जो है उसको हमें निकालना तो है ही नहीं, केवल वैल्यू फाइंड करनी है, तो v से बोथ साइड डिवाइड दे दिया, यहां v की वैल्यू पुट की, x q से स्क्वायर कट गया, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 3। ठीक है, पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ स्पीयर डिक्रीज फ्रॉम 10 टू 9.8 फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, देखो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा है कि चेंज हो रही है क्या, रेडियस क्या हो रही है, चेंज यानी कि डिक्रीज हो रही है, कितनी, 10 से 9.8 हो रही है, तो देखो r थी ना वो तो कितनी थी, 10 थी, r तो 10 है, लेकिन r प्लस डेल्टा r यानी कि चेंज होने के बाद, यानी कि r प्लस में डेल्टा r बराबर कितनी हो गई, 9.8। ठीक है, तो यहां से हम डेल्टा R की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, ये तो है 10 प्लस डेल्टा R इक्वल्स टू 9.8, तो डेल्टा R होगा 9.8 माइनस में 10, तो माइनस के 0.2। ठीक है, माइनस के ये क्या आ चुकी है अपने पास, डेल्टा आर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें क्या फाइंड करनी है, कैलकुलेट एप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो देखो क्या है, ये एक स्पेयर है, क्या है, स्पेयर, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर,
यानी कि v इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू, ये है v, ठीक है। तो अब हमें देखो, जैसे r और डेल्टा r फाइंड कर लिए, ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, v और डेल्टा v फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, dy वाई अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ v है तो dv वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, मतलब चेक करना है हमें कि कितना रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि हमें क्या चेंज करना है, वही डेल्टा v अपॉन में v चेक करना है कि कितना उसमें चेंजेस, यानी कि डेल्टा v चेक करना है, सिंपल सी बात है। क्या चेंज करना है कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, जब रेडियस में चेंज हुआ है उसके में, यानी कि रेडियस 10 से कितनी हो गई 9.8, यानी कि r ये और डेल्टा r ये है, ठीक है। तो v से डेल्टा v में कितना चेंजेस होगा, तो v तो अपन निकाल सकते हैं सिंपल सा, लेकिन हमें किस में चेंज करना है, क्या चेक करना है, क्या फाइंड करना है, डेल्टा v फाइंड करना है। तो वही डेल्टा v कितना होता है, dv अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा आर, ठीक है। तो हमने इसको आर के रेस्पेक्ट में किया है ना, तो डी वी अपॉन में डी आर आएगा यहां भी, है ना, रेडियस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वी अपॉन में डी आर। तो देखो इसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 0.2 माइनस के, कैलकुलेट कर दो इसको, 4 × 22/7, चलो पाई को पाई रहने देते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होता है, आर 10 है ना, तो 100 ये हो जाएगा कितना, 400 पाई इंटू माइनस के 0.2, ठीक है। तो ये देखो 0.1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 80 पाई, इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 80। आई बात समझ में, देखो ये पॉइंट से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 80, माइनस का है तो माइनस के, पाई है तो पाई, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो हमें रेडियस में चेंज दिया गया है तो वो तो है डेल्टा आर की वैल्यू, और वॉल्यूम में जो भी परसेंटेज एरर हमें फाइंड कर रहा है तो समझ लेना हमें डेल्टा वी फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो एरर क्या होता है, डेल्टा वाली वैल्यू होती है, और हमें अगर एरर की डेल्टा फाइंड करनी है तो डेल्टा वाली ही वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो हमें आर और डेल्टा आर, यानी आर गिवन था और आर प्लस डेल्टा आर गिवन है, तो हमने डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही वी है और हमें डेल्टा वी की फाइंड करनी है, तो हमने डेल्टा वी फाइंड कर लिया। तो इसमें अपने पास कितने क्वेश्चन थे, 14 था ये ना, कौन सा था, 14, तो 14 ही थे और 14 हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसी से अपनी 8 पॉइंट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है 8.4। अब जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.5, वो भी अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर इन जो आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी तो बताना, है ना, वैसे बिल्कुल इजी थे, किसी में भी कोई दिक्कत है नहीं, और कमेंट करते रहा करो, बताते रहा करो कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा है ना, एक दो को छोड़ के कोई भी नहीं बता रहा कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्या है क्या नहीं है ना, तो बताओ, और फिर हम कुछ दिनों बाद आपका टेस्ट लेने की तैयारी करेंगे। अगर आप सब लोग पढ़ रहे हो ना तो बताओ मेरे को कौन कौन पढ़ रहा है, ताकि हम टेस्ट लें, चेक करें आप लोगों को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।